तेजस फाइटर जेट पर अब तक की सबसे बड़ी गुड न्यूज। जैसे ही अमेरिका ने किया सुपर पावर इंजन देने का ऐलान, भारत की हथियार इंडस्ट्री में लग गई तगड़ी लाइन। तेजस जेट को खरीदने के लिए दौड़ पड़े कई देश। दोस्तों, मलेशिया के बाद अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को खरीदने के लिए लाइन में लग चुके हैं। और अब जो खबर आई है उसने चीन की इंडस्ट्री को हिला करके रख दिया है, क्योंकि दोस्तों चीनी फाइटर जेट JF-17 को इस बार तेजस फाइटर जेट से तगड़ी धोबी पछाड़ मिल रही है। दोस्तों, भारत द्वारा बनाया गया स्वदेशी फाइटर जेट तेजस लाइट वेट कैटेगरी में दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, जिसे अमेरिका जैसा सुपर पावर भी पा लेना चाहता है। कुछ महीने पहले ही अमेरिका ने भारत से तेजस लड़ाकू विमानों को खरीदने की इच्छा जताई थी और उसके बाद से तेजस की डिमांड दुनिया भर में और ज्यादा बढ़ चुकी है। और दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है उसने 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। दोस्तों, इस जेट को भारत ने अब महाशक्तिशाली बनाने वाली रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसने चीन की हालत को खराब कर दिया है। दोस्तों, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर भारत वो क्या करने वाला है जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको जो अभी गुड न्यूज आई है वो बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज ताइना भारत के दौरे पर हैं और इसी दौरान वो भारत के साथ अपनी वायुसेना के लिए तेजस मार्क 1A और LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए 8,675 करोड़ रुपए की डील करने वाले हैं। दोस्तों, इस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अर्जेंटीना की वायुसेना पिछले साल से ही तेजस को खरीदने के लिए मानस बना चुकी थी। दोस्तों, अर्जेंटीना भारत से 12 से लेकर के 15 हल्के लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है। बड़ी बात तो ये है कि इस डील के बीच चीन ने भी उसे बड़ा ऑफर दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत का तेजस चीन के JF-17 पर बहुत भारी पड़ गया। चीन ने बहुत कम कीमत पर अर्जेंटीना को अपना जेट देना चाहा था, लेकिन तेजस के मुकाबले उसका जेट बहुत पिछड़ गया। और दोस्तों, अब अर्जेंटीना तेजस के लिए डील फाइनल करने जा रहा है। पिछले साल से ही अर्जेंटीना अपने पुराने बेड़े को आधुनिक बना लेना चाहता है और इसके लिए वो सक्रिय तौर पर अच्छे विमानों की तलाश में भी है। दोस्तों, साल 2015 में उसका आखिरी मिराज 3 फाइटर जेट रिटायर हो चुका है और उसके बाद उसके पास केवल उसके होम ग्राउंड लेवल पर बना हुआ FMA-1A63 पाम्पा ट्रेनर और लॉकहीड मार्टिन का A4AR फाइटिंग हॉक बचा हुआ है। अर्जेंटीना की एयरफोर्स की हालत दोस्तों इतनी खराब है कि इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि साल 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जब उसके देश के दौरे पर गए थे तो उनकी वायुसेना के पास में उनकी सुरक्षा देने के लिए कोई फाइटर जेट नहीं था, लिहाजा अमेरिका को अपने F-16 लड़ाकू विमान साथ लेकर के जाने पड़े थे। लेकिन अब वो तेजस को खरीदने के लिए आगे बढ़ चुका है। हालांकि दोस्तों, भारत से तेजस विमान को खरीदने के लिए केवल अर्जेंटीना ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और खुद अमेरिका, साथ ही इंडोनेशिया, फिलीपींस और बोत्सवाना भी ये जेट खरीदने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तो आखिर इसकी दीवानगी की असली वजह क्या है, दोस्तों ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों, भारत का फाइटर जेट तेजस सिंगल इंजन डेल्टा विंग फाइटर जेट है। भारत का तेजस बेहद छोटे रनवे यानी 440 मीटर के रनवे पर भी टेक ऑफ कर सकता है। इसको बनाने में कार्बन फाइबर, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है और यही कारण है कि इस लड़ाकू विमान का वजन केवल 6500 किलोग्राम है। मतलब दोस्तों, ये ज्यादा हथियार कैरी कर सकता है, बहुत हल्का होने की वजह से बहुत हाइट पर बहुत तेजी के साथ जा सकता है और ये खूबी ही इसे दुनिया का सबसे टॉप वेपन बनाती है और इसी कारण इसकी मांग पूरी दुनिया में तेजी के साथ में बढ़ती जा रही है। भारत के लिए भी दोस्तों बड़ी बात यह है कि तेजस को तैयार करने के लिए 60% से ज्यादा कंपोनेंट्स भारत में ही बना लिए गए हैं, तो वहीं इसमें कुछ कंपोनेंट्स बाहर से भी मंगवाए गए हैं। इसमें दोस्तों इस वक्त इजराइल का ELM-2052 रडार लगा हुआ है जो एक साथ 10 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उन पर अटैक कर सकता है। हालांकि दोस्तों, अब आने वाले वक्त में भारत इसे अपने खुद के बनाए हुए AESA रडार से रिप्लेस करने वाला है जो एक साथ 50 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, तेजस में एक सल्फर प्रोडक्शन जैमर लगा हुआ है जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। दोस्तों, ये जैमर तेजस की रक्षा आसमान और जमीन में किए गए मिसाइल हमले के दौरान करता है, लेकिन अगर इसने अपने दुश्मनों पर मिसाइल से हमला कर दिया तो ये उन्हें बर्बाद
बर्बाद करके ही छोड़ता है। भारत के वैज्ञानिकों ने दोस्तों तेजस लड़ाकू विमान में बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिसका इस्तेमाल करके भारत का तेजस दुश्मन के ठिकानों को पहचान कर उन्हें आसानी से तबाह कर सकता है। साथ ही अधिक रेंज होने की वजह से इसकी सटीकता में कोई भी फर्क नहीं आता है। अगर तेजस लड़ाकू विमान 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ान भर रहा है, तब भी इसमें आसानी से ईंधन भरा जा सकता है और तेजस की यही खूबी इसे दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट बना डालती है। तेजस में एक साथ 6 तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, साथ ही इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और क्लस्टर बॉम्ब्स भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों इस फाइटर जेट का वजन कम होने के कारण ये युद्ध पोतों पर आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि इसके हथियार ले जाने की क्षमता भी MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान से दोगुनी है और रफ्तार भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों जहां 5वीं पीढ़ी के अमेरिकी फाइटर जेट F-35 की स्पीड 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वहीं तेजस की रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों भारतीय वायुसेना का भरोसा तेजस विमान ने किस तरह से जीता है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना ने HAL को 83 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर दिया है। दोस्तों भारत के DRDO की टीम इसमें तेजी के साथ में सुधार कर रही है। दोस्तों तेजस के लिए ही अब अमेरिका से उसकी जनरल इलेक्ट्रिक का GE-414 इंजन लिया जा रहा है, जो तेजस के नए अपग्रेडेशन में काम आने वाला है। दोस्तों इसे 5वीं और 5वीं प्लस जनरेशन में इस इंजन के जरिए बदल दिया जाएगा। तो वहीं दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों ने इसके डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर, आउटर ECM पोर्ट, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, AES रडार, एवियोनिक्स, एरोडायनेमिक्स में काफी बदलाव के साथ ही इसमें ब्रह्मोस जैसी बेहद घातक मिसाइल फिट करने का काम कर दिया है। तेजस मार्क 1A की हथियार ले जाने की क्षमता दोस्तों 5,300 किलोग्राम से ज्यादा है और इस विमान में कई तरह की मिसाइलें और रॉकेट्स फिट की जा सकती हैं और उनको फिट करने के लिए टोटल 8 हार्ड पॉइंट्स लगाए गए हैं। दोस्तों तेजस के मार्क 1 में एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, अस्त्रा MK-1 मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, स्पाइस और हैमर मिसाइलें फिट की जा सकती हैं। लिहाजा दोस्तों आने वाले कुछ सालों में ही तेजस विमान न केवल भारतीय वायुसेना बल्कि दुनिया के कई देशों की वायुसेना में अपनी सेवा दे रहा होगा। इसके अलावा आपको जानकर के हैरानी होगी कि भारत आने वाले कुछ सालों के अंदर इस फाइटर जेट के क्षेत्र में काफी ज्यादा सुधार कर लेगा कि अमेरिका भी भारत से ही ऐसे विमान खरीदेगा। बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारत के वैज्ञानिक इस वक्त 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट M का तेजस मार्क 2, TF, BDF और इसका एयर वर्जन ऑरा, साथ ही कैट्स वॉरियर और 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट फूफा पर काम कर रहे हैं। दोस्तों फूफा फाइटर जेट इतना एडवांस होगा कि ये अकेला ही युद्ध का नक्शा बदल सकता है। और दोस्तों भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों तेजी के साथ में ग्रोथ कर रहा है। जहां एक और तेजस जेट की दीवानगी देखने को मिल रही है, तो वहीं ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ ही ब्राजील, अल्जीरिया समेत एक दर्जन देश लाइन में लगे हुए हैं। अफ्रीकी देश बोत्सवाना भी भारत के फाइटर जेट तेजस को खरीदने के लिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ा चुका है। वहां की वायुसेना भारत के साथ में लगातार डील करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। बोत्सवाना की सेना कई तेजस फाइटर जेट खरीद लेना चाहती है। इतना ही दोस्तों, अफ्रीका के 31 देशों के समंदर और एयर पावर के लिए भारत एक अहम साझेदार बनकर के उभरा है। और दोस्तों कुछ ही वक्त में भारत अब डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।